आज बच्चों को स्कीपिंग करा दी मैंने। नए नए बच्चे हैं, सीखेंगे, बढ़ेंगे, करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। और स्कीपिंग करने से वाकई आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और फुटवर्क अच्छा होता है बॉक्सिंग के लिए। देखिए बच्चे कितने मन से लगातार फुटवर्क के साथ, सॉरी नो फुटवर्क, लेकिन स्कीपिंग कितनी बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे सीख जाएंगे और कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे। स्कीपिंग भी कूदना अपने आप में एक अच्छी प्रक्रिया है। और इधर जैसे उधर वार्म अप के बाद उनको स्कीपिंग कराया, तो इधर अब ये बच्चे शैडो बॉक्सिंग वार्म अप के बाद। मौसम भी बड़ा अच्छा बन रखा है, मौसम बहुत दिन गर्मी के बाद आज थोड़ा सा अच्छा मौसम हुआ है, जो कि बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बढ़िया प्रैक्टिस मिलेगी आज। आज मंगलवार था, फाइट नहीं करा के आज थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया। आज का टास्क है एक अपोनेंट डिफेंस करेगा, एक अपोनेंट अटैक करेगा। डिफेंस वाले को कोशिश करते रहना है कि आगे चलते हुए अपने डिफेंस करना है। और जैसा कि रजनीश बोल ही रहे हैं कि 2 मिनट के राउंड हैं, सभी पार्टनर्स आपस में करेंगे। डिफेंस देन अटैक, अच्छा बात ये, अटैक करने वाले का अटैक अच्छा होगा और डिफेंस करने वाले का डिफेंस। साल भर खिलाड़ी ऐसी मेहनत करता है और ऐसी मेहनत करने के बाद तब परिपक्व होता है। किसी को इसका, जिसने अच्छी मेहनत की है या जिसने और अच्छी मेहनत की है, उसको वैसा फल मिलता है। और इधर चल रही है स्किल ट्रेनिंग बच्चों की। बढ़िया, आज इन लोगों ने रनिंग बहुत अच्छे से की, उसके बाद स्कीपिंग की है और उसके बाद स्किल ट्रेनिंग अपनी पुरानी। कम से कम 2 से 3 महीना स्किल ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए। मुझे याद है कि हम लोगों ने कम से कम 3 महीने से 4 महीना सिर्फ लेफ्ट राइट 1 2 3 और 1 2 3 4 की स्किल ट्रेनिंग की थी, जो कि 3 महीना मैं कम ही बता रहा हूँ। हम लोगों के गुरुजी ने कम से कम 6 महीना इस स्किल ट्रेनिंग को कराया। इससे अच्छा ये है कि आपके पंच परफेक्ट हो जाएंगे। बताने के लिए सीनियर भैया लोग भी हैं। और ऐसे ही परफेक्शन कराते रहिए। कुछ तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो देख के बच्चे सीख सकते हैं, अगर इन चीजों को देखें और सीखने का प्रयास करें तो। इधर सेम आज की ट्रेनिंग का पार्ट ही यही है कि डिफेंस करना है और अटैक करना है। डिफेंस अटैक, अटैक डिफेंस, अटैक डिफेंस। तो आज की ट्रेनिंग बस यही। जैसे देख रहे हैं आप लोग, बारिश का तगड़ा माहौल है, तो प्रैक्टिस बीच में ऑफ करानी पड़ी। और अब है चार्जिंग की प्रैक्टिस, बच्चे कर रहे हैं चार्ज, लगातार चार्ज, चार्ज लगातार चार्ज, 20 सेकंड के 10 राउंड। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों की स्पीड ग्रोथ करती जा रही है। और करना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे तभी अंदर अच्छी स्पीड आएगी।
पंजे, दिस इज बॉक्सिंग का टास्क ही कर दिया गया है कि देखते हैं कौन देर तक और स्पीड से करता है। लास्ट राउंड है, कौन स्पीड से कितनी देर तक करता है, स्पीड कब तक, कैसे रहती है इनकी कायम, लगातार चलो स्पीड। और बारिश से तो हाहाकार मचा रखा है, इधर भी बच्चे शुरू हैं, देखिए बारिश के फुल माहौल में सारे बच्चे करते हैं और अभी तक बच्चे कर ही रहे हैं, 40 सेकंड से ऊपर हो चुका है।